स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स इंजीनियर में। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में तैयार हुआ है। इसका नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम रखा गया है। 1,10,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से भी बड़ा है। यह पूरा स्टेडियम 63 एकड़ जमीन में बनाया गया है और इस स्टेडियम को बनाने में 700 करोड़ की लागत आई है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में तैयार हुआ है, जिसका नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम के नाम से रखा गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस स्टेडियम में सबसे अच्छी और सबसे खास बात क्या है? इस स्टेडियम में 3 प्रैक्टिस ग्राउंड, क्लब हाउस, ओलंपिक स्विमिंग पूल और एक इंडोर क्रिकेट अकेडमी भी बनाई गई है। इसलिए ऐसा है कि जब कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री मारे तो स्टेडियम में बैठने वाला हर एक क्रिकेट प्रेमी उस बाउंड्री को देख पाए। और यहां तक कि कार और स्कूटर की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें 4,000 कार और 10,000 दोपहिया वाहन की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा 75% कॉर्पोरेट बॉक्स लगाए गए हैं और पहली बार किसी स्टेडियम में LED लाइट लगाई गई है और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना उठाना पड़े। और इस स्टेडियम को सीधा मेट्रो लाइन से भी जोड़ा गया है। स्टेडियम में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रहते हुए एक समय मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम तैयार करने का सपना देखे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री और GCA अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आगे इस सपने को आगे बढ़ाया। इस स्टेडियम का भूमि पूजन जनवरी 2016 में किया गया था और यह लगभग अब पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। इसी वर्ष यानी 2020 में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। गुजरात क्रिकेट टीम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के अनुसार यह स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था, जिसे हमने पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी से जब इस बारे में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब स्टेडियम ही बना रहे हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम क्यों नहीं, और आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम तैयार है। दोस्तों, इस स्टेडियम में पहले भी कई मैच खेले जा चुके हैं, तभी भी इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम ही था और यहाँ पर कई विश्व कीर्तिमान स्थापित हो चुके हैं। जैसे वर्ष 1982 में पुराने स्टेडियम में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन पूरे किए थे इसी स्टेडियम में, और कपिल देव ने न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली का सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी तोड़ा था इसी स्टेडियम में, और यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक भी इसी स्टेडियम में लगाया था। 2011 में विश्व कप टूर्नामेंट में भारत ने इसी मैदान पर विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराया था। एक और जहाँ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर स्टेडियम के लिए भी यह कीर्तिमान दर्ज होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यह बिल्कुल फ्री है ताकि कोई भी वीडियो आपसे हमारा मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।